हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू टाइप के सेंटेंस को, और टू टाइप के सेंटेंसेस जो होंगे उनको हम आपस में कंपेयर करेंगे और उसमें बेसिक क्या अंतर है इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पहला स्ट्रक्चर है विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। या तो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म, या तो वुड बी के साथ फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बस ये याद आपको रखना है कि विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म जो आता है वो फ्यूचर का मीनिंग देता है, और जो would be के साथ fourth form आता है वो हमारा present का meaning देता है। एक बार और जानते रहिएगा, will का ही past form होता है would। तो अभी आपका जो sentence बनता है वो would be के साथ भी ing form मिलता है और will be के साथ भी मिलता है। तो दोनों sentence basic अंतर क्या है, आज इस अंतर को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहला sentence आपको यहां लिखा हुआ दिख रहा है कि सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा। अब इस sentence को पहले ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि सचिन बहुत अच्छा प्लेयर है और अगर कल मैच होगा तो सचिन भी क्रिकेट खेल रहा होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं, तब तो आप फ्यूचर की बात करेंगे, सचिन बहुत अच्छा प्लेयर है इसलिए कल जब मैच होगा तो वो भी खेल रहा होगा। जब इस सेंस में आप सेंटेंस को अगर आपने इस सेंस में कहा है, तब तो हमारा सेंस किस में गया, फ्यूचर में गया। तब आप क्या कहेंगे, सचिन विल बी। तो क्या लिखेंगे, सचिन विल बी प्लेइंग, सचिन खेल रहा होगा। क्या खेल रहा होगा, क्रिकेट, मतलब क्रिकेट को। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज करिए कि आज मैच चल रहा है लेकिन किसी वजह से आप मैच देख नहीं पा रहे हैं और आपने अनुमान लगाया कि जरूर, चूंकि अभी मैच चल रहा है तो जरूर सचिन खेल रहा होगा, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो आप यहां फ्यूचर की बात नहीं कर रहे बल्कि प्रेजेंट में की बात कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे हैं लेकिन आपने अनुमान लगाया कि जरूर वो खेल रहा होगा। जब इस सेंस में कहेंगे तब वहां पर विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, वुड बी के साथ फोर्थ फॉर्म। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि सचिन वुड बी प्लेइंग, सचिन खेल रहा होगा, क्रिकेट मतलब क्रिकेट। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि फ्यूचर की बात करने के लिए विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म, और जो प्रेजेंट, देखिए फ्यूचर दोनों है, होगा होगी दोनों में आ रहा है कि वो खेल रहा होगा, वो खेल रहा होगा, लेकिन वो जो होगा वर्ड आया है, जो भी आप फ्यूचर को जो इंडिकेट करता है, वो देखना है आपको सेंस क्या दे रहा है, वो प्रेजेंट का सेंस दे रहा है या फिर फ्यूचर का। जब फ्यूचर का दे रहा है तो विल बी के साथ आईएनजी लगाएंगे, और जब वो हिंदी में लग तो रहा है फ्यूचर का लेकिन सेंस निकल कर आ रहा है प्रेजेंट का, तब वहां विल बी नहीं वुड बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लगाएंगे। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सुमित परीक्षा के लिए जा रहा होगा। तो मान लीजिए कि हम यहां बैठे हैं और कल सुमित का एग्जाम है और हम किसी वजह से उसको छोड़ने के लिए नहीं गया, हम उससे बात ही नहीं कर पाए, तो हमें लगा कल उसका एग्जाम है तो कल इस समय वो एग्जाम देने जा रहा होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तब हम क्या लिखेंगे कि सुमित विल बी Going, सुमित जा रहा होगा, कहां जा रहा होगा, फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए। लेकिन मान लीजिए अगर आप ये कह रहे हैं कि आप चूंकि कहीं और हैं, सुमित कहीं और है और अभी उसका एग्जाम बस कुछ ही मिनट बाद शुरू होने वाला होगा या फिर कुछ देर बाद, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो परीक्षा देने के लिए जा रहा होगा, मतलब अब वो एक सेंटर के लिए निकल चुका होगा, मतलब वो एक्शन प्रेजेंट की बात आप कर रहे हैं। जब प्रेजेंट की बात कर रहे होंगे तब हमारा सेंटेंस विल बी से नहीं किससे बनेगा, सुमित वुड बी गोइंग फॉर द एग्जाम। तो मे भी आपको ये भी दोनों सेंस समझ में आ गए होंगे, ये फ्यूचर की जब सोच के बोलेंगे तो विल बी के साथ आईएनजी लगाएंगे, लेकिन जब प्रेजेंट का, देखिए सेंटेंस पढ़ने में फ्यूचर की लगा लेकिन सेंस अगर प्रेजेंट का है तो वुड बी के साथ आईएनजी आप लगाएंगे। लास्ट सेंटेंस देखिएगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे। तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे, तो मान लीजिए कि आज छुट्टी है लेकिन कल कॉलेज जो है ओपन होगा, तो आप ये कह रहे हैं कि आज सारे टीचर तो रिलैक्स कर रहे हैं लेकिन कल जो होगा वो पढ़ा रहे होंगे, जो है अध्यापक क्या आएंगे कक्षा में पढ़ा रहे होंगे। आप आने वाले कल को सोचकर आपने कहा है, तब तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द टीचर विल बी टीचिंग, कि अध्यापक पढ़ा रहे होंगे इन द क्लासरूम, क्लासरूम में। लेकिन अगर अभी आप ये कह रहे हैं, चूंकि ये कॉलेज का टाइम का पीरियड चल रहा है और अभी कॉलेज ओपन है और सारी क्लासेस चल रही होंगी, तो आप ये सोच रहे हैं कि अभी जितने भी जो भी टीचर होंगे वो सब अपने अपनी क्लास में पढ़ा रहे होंगे, वो अभी की बात आप करें प्रेजेंट की, तब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि द टीचर वुड बी टीचिंग, अध्यापक पढ़ा रहे होंगे इन द क्लासरूम। तो मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म और वुड बी के साथ फोर्थ फॉर्म, विल बी जो होता है वो फ्यूचर की मीनिंग देता है, वुड बी जो देता है वो प्रेजेंट की मीनिंग देता है। तो मे भी आपको कंफर्म हो गया होगा कि विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म और वुड बी उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बेसिकली क्या अंतर होता है। तो अगर आपको सारे सेंटेंस समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।